On the occasion of World Cancer Day, let's cure the fear first. I am Dr. Gunjan Lone, Consultant Hemato-Oncologist, Wockhardt Hospitals, Nagpur. नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कोई प्रकार की सर्जरी नहीं होती है, शरीर में कोई भी प्रकार का कट नहीं होता है। इसमें हम डोनर से स्टेम सेल्स यानी कि बोन मैरो के सेल्स, जैसे रक्तदान होता है वैसे हम लेते हैं और रोगी के शरीर में ट्रांसफ्यूज कर दिए जाते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ही दूसरा नाम होता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल्स मतलब हमारे शरीर में कुछ बेबी सेल्स होते हैं जिनमें स्वास्थ्य सेल्स बनाने का क्षमता होती है। ये बेबी सेल्स हम डोनर के शरीर से रोगी के शरीर में डाल के उनके जो बिगड़ी हुई सेल्स है उनको रिप्लेस करके हम जो उनकी मेन ब्लड की बीमारी है उनका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम परिवार में ही मैच डोनर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अधिकतर समय सगे भाई बहन या माँ बाप यही मैचिंग डोनर मिल जाते हैं। अगर नहीं तो हम रजिस्ट्री को अप्रोच करते हैं जहां हमें मैच डोनर मिल सकता है। इसे हम कहते हैं अनरिलेटेड डोनर। बोन मैरो ट्रांसप्लांट दो प्रकार का होता है। एक होता है एलोजेनिक, जिसे हम डोनर यूज करते हैं, और ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट। ये कुछ ऐसी बीमारियों में यूज किया जाता है जैसे कि माइलोमा, लिम्फोमा। इसमें हम जो बिगड़ी हुई सेल्स है वो कीमोथेरेपी से क्लीन कर देते हैं और पेशेंट के खुद के ही स्वास्थ्य सेल्स ट्रांसप्लांट करने में यूज होता है। इसे कहते हैं ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट विदाउट अ डोनर। अगर आपने अपनी जीवन में रक्तदान किया हो तो करीब करीब बोन मैरो डोनेशन भी उसी प्रकार का प्रोसीजर होता है, जिसमें आपको शुरुआत में जो सुई का लगने का दर्द होता है वो, और इसमें सिर्फ स्टेम सेल्स निकालने की वजह से बाकी का खून शरीर में वापस जाने की वजह से कमजोरी होने के भी चांसेस काफी कम है।